एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल आज जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 20वां दिन है। स्वास्थ्य सेवाओं पर हड़ताल का असर पड़ रहा है। नियमितीकरण और निकाले गए कर्मचारियों की बहाली की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संजय जुड़ चुके हैं। तो संजय, स्वास्थ्य कर्मचारी, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे हैं और आज हड़ताल का उनका 20वां दिन है। कब तक की हड़ताल जारी रहने वाली है संजय? बिल्कुल शिवांगी, अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने साफ कहना है कि जब तक हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं होती है तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी, यानी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। तो इसीलिए ये बिल्कुल इनका आज का 20वां दिन है और इस बार भी इनका ये साफ कहना है कि अब आर पार की लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम सरकार से पीछे अपने कदम पीछे नहीं खींचेंगे, जिसको लेकर अब इसका असर भी देखने को मिलने लगा है। कई क्षेत्रों में देखा जाए तो आज भी स्वास्थ्य को लेकर कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता की तरफ जा रहे हैं। वहीं अगर आज की बात करूं तो आज से जिस प्रकार से जो पोलियो का जो एक डोज देने का लेकर एक योजना चलाई जा रही है उसका भी दिन है, तो उसके भी इसका असर देखने को मिल रहा है कि अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तैयारियां तो कर ली गई है लेकिन असर इसका ये है कि अभी जब तक परसेंटेज शाम के बाद ही पता चलेगा कि कितने परसेंटेज पे इसका जो वैक्सीन लगना था या डोज मिलना था कितने लोगों को मिल पाया है या नहीं। तो इससे ये साफ देखने को मिल रहा है कि योजनाएं तो चल रही है लेकिन स्वास्थ्य विभाग को जो कर्मचारियों की हड़ताल है उसको लेकर कहीं पे भी अभी बात नहीं हो पा रही है। उनका कहना है कि अगर हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है और हड़ताल पे रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जी जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एमपी स्वराज।